हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी सीरीज़ में स्पेशल क्या है? आज हमारी सीरीज़ में स्पेशल है कि हम एक ऐसा लुक तैयार करेंगे जिसमें हम सुबह ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ भी मतलब अपनी पूजा के टाइम उसे वेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ रात को जब हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बाहर घूमने जाएंगी तो कुछ हमें स्पेशल ऐसा चाहिए, कुछ वेस्टर्न लुक चाहिए, तो उसके साथ भी ये अपना लुक कैरी कर सकते हैं थोड़े से हल्के से टचअप के साथ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस लुक को हमने कैसे तैयार किया। और इसी मेकअप के साथ एक हमारा और वेस्टर्न लुक है जो आप इसके लास्ट क्लिप में देखोगे उसकी पिक्स, और ये मेरा एक ऑनलाइन डेमोंस्ट्रेशन क्लास का क्लिप है। सबसे पहले तो बेसिक वाली चीज है, जो सबसे पहले मैं आपके पास जब कोई क्लाइंट आने वाला है, मैंने इसीलिए लिपस्टिक वेयर किया है ताकि आपको पता लग जाए कि भाई मेकअप मुझे कैसे करना है, तो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूं। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Vandana Gupta, makeup artist, and you are watching my Karwa Chauth series. Karwa Chauth mein Karwa Chauth series. So guys, aaj main jo aapko makeup look dikhane wali hu na, kasala amazing. Let's see. Chalo. Sabse pehle hum apna makeup remove karenge. Pehle bath nahi karenge, pehle makeup remove karenge. Is tissue mein maine wo liya hai makeup remover. अच्छे से एकदम क्लीन मेकअप रिमूव करना, एकदम मतलब ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद आपको लगे कि आंखों में काजल रह गया, तो आप आई शैडो जब अपना मतलब कुछ हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आंखों में आपके काजल दिख रहा है, आप मेकअप करने लगे तो ब्लैक ब्लैक आपकी आंखों में, वो आप फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो कलर उतर के आ गया, या आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिपस्टिक का आउटलाइन है, यहाँ पर आपका हो सकता है आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो दो फंक्शन अटेंड करके आ सकता है, इसे जरूर नहीं कि वो एकदम उसी टाइम आएगा। तो ऐसा ना हो कि आपका काजल रिमूव नहीं हुआ हो, ऐसा ना हो कि लिपस्टिक, आप पूरा उसका फेस क्लीन कर, बहुत अच्छे मेकअप क्लीन कर लिया। इसके बाद वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उसके बाद हम क्लींजिंग मिल्क लेंगे। क्लींजिंग मिल्क लेने के बाद फेस पर देखो बहुत कम नहीं लगाना, क्वांटिटी सही होनी चाहिए क्योंकि फेस को हमें ड्राई रब नहीं करना बिल्कुल भी। क्या होता है क्लीनअप अगर आप अच्छा करोगे, अच्छे प्रोडक्ट से करोगे तो आपका आधा काम फेस का यहाँ पर खत्म हो जाता है, आपका मतलब जो मेकअप है वो गारंटेड निकल के आएगा ही आएगा। और अगर क्लीनअप अच्छा नहीं करोगे ना, जब कैनवस ही साफ नहीं होगा तो कहाँ से अच्छा आएगा, समझ में आ गया? इन सब चीजों से क्या होता है, स्किन जो होती है ना बिल्कुल हाइड्रेट हो जाती है, और जब भी आपकी अगर ब्राइडल है कोई और कोई भी मेकअप वाला हो तो उसको पहले से उसको रहे कि वो अपना फेशियल प्रैप करवाए, अपना फेशियल करवा अपना मतलब मेकअप करने से पहले उसे अपना फेस ना से प्रैप करके रखे, मतलब जैसे उनको जैसे हम बताते हैं कि खूब पानी पियो और अपना नाइट रिजीम, अपना डे रिजीम फॉलो करो CTM का, और उसके साथ साथ ये अपने क्या कहते हैं फेशियल करवा के रखें जिससे स्किन क्या होगी बिल्कुल हाइड्रेट हो जाएगी। इधर ये क्या होता है स्किन ना एक हाँ सीरम ऑयल सीरम है, इसको और ये पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर, नाइट मेकअप हाँ अगर होता है तो प्रोडक्ट थोड़ा सा सीरम लगा स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्किन की कंडीशन मैंने कहा ना यंग स्किन है फ्लॉलेस स्किन है कम से कम चीज लगाओ,
और अगर स्किन में प्रॉब्लम है ना, देखो आपने उससे 1000 rupees लिए हैं, सपोज तो 1000 ही लिए हैं, माना कि अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका मेकअप अच्छा निकल के नहीं जाएगा तो वो भी एक अच्छी बात है। प्रोडक्ट थोड़े कम ज़्यादा या क्वालिटी में ऊपर नीचे कर लो, लेकिन अगर स्किन आप उनकी अच्छी नहीं है तो पहले से सोच के चलो उनकी स्किन किस तरीके की, तो मेरे को इतने में नहीं होगा। स्किन हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी, तो मेकअप निकल के ही नहीं आता। ये मैंने लगा लिया सीरम, सीरम के बाद में दे रही मॉर्निंग नेचुरल दे रही, मैं तुम्हें दे रही बताया। अब मैं लगाऊंगी क्रीम, मॉर्निंग नेचुरल है बायोटिक का। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता कोई महंगे प्रोडक्ट लेकर ही हमारा वो होता है रिजल्ट अच्छा होता है। कई बार मॉर्निंग नेचुरल कुछ ऐसा महंगा नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। मैंने बीच में कुछ चेंज करके देखे हैं, पर इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है ना, अच्छा लगता है। स्किन को ना बहुत अच्छे से, बहुत थिक भी नहीं है, अच्छे से ना स्प्रेड हो जाता है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। दिवाली से पहले के फेस्टिवल में भी और उसके साथ साथ नाइट पार्टी में भी ये मेकअप हम दे सकते हैं। क्योंकि ये मैंने क्रीम लगा लिया और क्रीम एब्जॉर्ब भी हो गया। हाँ पूछो है नाइट में, नाइट पार्टी गुड डे पार्टी, तो ये नाइट पार्टी है, नाइट पार्टी बोल सकते हो, फेस्टिवल बोल सकते हो, इसी से यूज करती हूँ चुपले। पहले मैं हाथ से लगा रही हूँ, इसी से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे ये ऊपर पोर्स है थोड़े से। पहले मैं अपनी प्रॉब्लम वाली जगह पे लगा रही हूँ जहां पर मेरे को थोड़ा सा ओपन पोर्स का ध्यान। प्राइमर से स्किन क्या होती है, एकदम स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है हमें करने में। क्लियर दिख रहा है ना वैसे तुम्हें, तिल अच्छा आप क्या करेंगे, रेड लगाएंगे, रेड देख तो ध्यान से देखो, टैप टैप करके सिर्फ जहां पर आपकी प्रॉब्लम है उधर लगाए आपने। और रेड मेरे फेस मुंह पे ज्यादा आता है, येलो ऑरेंज बोलते हैं इसको, येलो हो जाएगा, इसे येलो ऑरेंज बोलते हैं। और पैलेट आती है ऐसी कि जिसमें सारे के सारे बने बनाए होते हैं, येलो भी बना हुआ रहता है उसमें, और डार्क वाला भी बना रहता है, रेड ऑरेंज अलग होता है, येलो ऑरेंज अलग होता है, हम बना लेते हैं लेकर कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं करनी। ये हो गया आपका, समझ आ गया इतना, हमने रेड ऑरेंज लिया और उसको पूरे फेस पर टैप टैप करके एब्जॉर्ब करवा दिया अच्छे से स्किन के। ना तो इतना करना है कि कलर ही खत्म हो जाए, क्योंकि हमने अपने उसको जो हमारे यहाँ पर डार्क सर्कल है उसको हाइड करने के लिए लगाया है ना, कि इसको खत्म ही कर देंगे तो फिर कैसे फायदा होगा। तो ना इतना करना है कि कलर खत्म हो जाए और ना इतना करना है कि वो ऊपर ही रखा है, ये कर लिया। इसके बाद मैं हमेशा आपको कहती हूँ इसके ऊपर एक डार्क कलर का ये लगाओ, बेस लगाओ, बेस फाउंडेशन जो भी आपके पास है, हल्का हल्का टैप टैप करके। लेंस लगाने के बाद ना आंख में आ गया ना पानी, तो ऐसा हो गया जैसे मुझे कोल्ड हो रहा हो। तो इस पे ना जो भी हम कैरेक्टर यूज करते हैं उसके ऊपर डार्क शेड लगाते हैं, तो उसके बाद उसको संभालना थोड़ा, कई बार कहते हैं कंसीलर ज्यादा, ये क्या कहते हैं कैरेक्टर ज्यादा लग गया या कुछ है, कई बार रेड रेड फील करते हैं कुछ है, तो वो प्रॉब्लम कुछ भी आती है। अभी इतना लग गया हमारा, इतना समझ आ गया। आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं ना क्लाइंट के फेस पर और आपके प्रोडक्ट खिंच नहीं रहे, स्प्रेड नहीं हो रहे हैं और मुश्किल आ रहा था, इसका मतलब उनकी स्किन क्या है, हाइड्रेट नहीं है, उनको क्रीम का मतलब अच्छे से उसको वो दो। और तो और एक नया आसान तरीका और है कि आपका जो शादी वाला ब्राइडल कोई क्लाइंट है या कुछ है, तो ना उसको शीट मास्क लगा दो पहले, तो उससे भी स्किन
हाइड्रेट हो जाती है। अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन के लिए मैं क्या ले रही हूँ, फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैं फिटमी का, इसका नंबर है 725310 सनबेजर। ये मेरे उसके ऊपर बिल्कुल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिफ्ट अप करने के लिए मैं इसमें मिक्स करूंगी। तो फोर ड्रॉप्स लिए हुड्डा बीटी का आइवरी शेड, और इसका सिंगल ड्रॉप डालूंगी बिल्कुल। देखो उसके फोर ड्रॉप्स लिए थे, इसका उसके फोर ड्रॉप्स लिए थे हुड्डा ब्यूटी का सिंगल ड्रॉप। और कभी भी फाउंडेशन लेते हो ना आप, खरीदे जाते तो क्या ऐसे करके देख लेते हैं, फिर ये लगता है कि नहीं ये ब्राइट है कुछ नहीं, उसको हल्का सा टैप टैप करके देखो। देखो ये बिल्कुल मेरी स्किन पे चला गया। इसके लिए मैंने क्या डाला है, फिर हुड्डा ब्यूटी से जबरदस्त कवरेज मैंने तो किसी फाउंडेशन में देखी नहीं अभी, गजब की कवरेज है। और अच्छे से डैप डैप करके कर लिया। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। हम ये कहां लगाएंगे, जिस पार्ट को हमें हाइलाइट करना ये उस पार्ट में लगाएंगे। जैसे मैंने कल तुम्हें टी जोन बताया था, ये मैंने लिया नोज के ऊपर और हेड के ऊपर और यहाँ पर। गीला है, अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा सूखा सा हो गया तो वापस से गीला कर लो। किया था लेकिन प्रोडक्ट लगने के बाद लग रहा है स्किन ड्राई है, तो अपना वो लो, टोनर लो। वैसे तो मिस्ट का यूज होता है, मिस्ट लो या मेकअप फिक्सर लो। मिस्ट मतलब गुलाब जल ले सकते हो, खाली गुलाब जल, लेकिन प्योर गुलाब जल और कुकुम्बर का वो लोगे ना, अर्क आता है या फिर कोई भी टोनर आता है तो उसमें कुछ नहीं, तो आप सीधा उसको स्प्रे कर सकते हैं। ओके, अगर स्किन आपको ड्राई लग रही है, मुझे स्किन अभी नॉर्मल लग रही है तो मैं अभी कुछ भी यूज नहीं करूँ। नहीं ज्यादा ऑयली करोगे तो वो सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेकअप। बहुत लाइट होता है ये, एकदम से भर जाता है, फिर उसको आसानी से काम करना। जहां पर फाइन लाइंस होती है वहां पर इसको भर दो, फिर बाद में इसको डस्ट आउट कर दें। ब्राउन कलर लिया,
आपका जो कॉन्टोर है वो थोड़ा ऊपर चला दिया अगर ऐसा लग रहा है। हाँ सुन रहे हो, तो क्या करना है अपने ब्रश को साफ करना है उस वाले कलर से। और दो ऑप्शन है, या तो अपना लूज पाउडर ले लो, और उसको यहां से लाइट से इसके बाद हम लेंगे, हाँ कट पीस बता रही हूँ, और यहां पर अपना लगा दिए। और अपनी आंखों को खोला, क्लाइंट से कहा अपनी आंखें ऊपर करो। अब ये ऊपर एक लाइन मिल गई ना तुमको, हाँ अब वो क्या है हमारी गाइडलाइन। अब हम क्या करेंगे, समझ आ गया इतना। नीचे बेस लगाया, बेस लगा के आइस को ओपन करा, ओपन करके ऊपर हमारे गाइडलाइन की, गाइडलाइन करके नीचे की, गाइडलाइन से ऊपर नहीं जाना हमें, नीचे की तरफ काम करना है। यहाँ से लेंगे अपना, अरे उसमें आंखें भी ना ऐसे बंद करके खोल करके ऊपर से लेंस लगा पड़ा है, साफ दिखना ही बंद हो गया। बहुत खूबसूरत, मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लू इसका डार्क कर रही हूँ, इसका थोड़ा सा ये ब्लू, थोड़ा सा ना वो ब्लू नहीं वो ग्रीन वाला जो हमने पहले लगाया था सबसे पहला शेड। अब मैं क्या करूंगी आगे, कुछ नहीं मैंने आगे ये पिंक मेटालिक शेड लगाया है और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर पहले हमने क्रीम कलर का बेस दिया था, आगे पिंक मेटालिक शेड लगाया, ये पीछे हमने डार्क वो वाला कलर दिया था ग्रीन 4G वाला, बीच में हल्का सा ब्लू ये था डार्क करने के लिए। देखो इसमें मर्ज नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा ब्लू कलर से मर्ज करती हूँ यहाँ से। अभी इतना हो गया, इतना समझ आ गया, चीजें नीचे देनी है। सबसे पहले क्या देंगे हम, ग्रीन देंगे या फिर बाद में दे दे क्या, अभी देते हैं। देखना वो नहीं होते ड्राई, स्मज ब्रश लेंगे अपना और इसको
ब्राइडल ब्रश से। खाली आगे कलर नहीं लाना, बस खाली ब्रश लाया जिससे एक परछाई सी आए। आइवरी बोलते हैं इसको, व्हाइट कलर बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये आर्क है, यहाँ से अब अपने इसको अपलिफ्ट किए, जिससे लेंगे उस ब्रश से प्रोटेक्ट नहीं लेंगे। ये मैंने ग्लिटर ग्लू लिया आईज क्लोज की और हाफ इसको लिया और हाफ इसको लिया। अपनी उसमें निकाला और अपने ब्रश के ऊपर लिया, आईज अच्छे से खोली। समझ आ गया? बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ इसीलिए कि अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरा ट्रायल ऑन का ग्लिटर है, बहुत ही फाइन ग्लिटर है ये। और इसको पीछे से लेना, पीछे से कवर करना जरूरी है, आगे का छोड़ दो। अब हम लगाएंगे हाइलाइटिंग करेंगे। ओके बोलो, पाउडर ब्रश की तरह थोड़ा फ्लफी होता है लेकिन एंगल में होता है। ओके अब हम ये लेंगे, डस्ट करना है और ये तुम्हारे पास बाहर आ रही है और इधर करेगी साफ, क्योंकि इसमें डार्क पिगमेंट। अब हम देंगे, नाइट पार्टी है तो हम देंगे थोड़े से ब्राइट कलर। मैं ले रही हूँ ये पिंक पीच ले रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ और स्माइल करके ऊपर की तरफ लूंगी। मैं गोल्ड वगैरह लेती, देखो ध्यान से पोजीशन देखो कैसे लेनी है। एंगल का ब्रश एंगल पे लेकर काजल अभी दिया नहीं है हमने, पीछे से मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूंगी ताकि मेरे आगे का और लाइट हो जाए। ऐसे उसी शेड का हल्का सा लाइटर पे देखेंगे। डायमंड में ये के बीच में हमने लिया है लाइट कलर, बीच में सिर्फ वो भी लाइट, सिर्फ उसी शेड का हल्का सा लाइटर, किनारे पे डार्क। इससे क्या होंगे जिनके और पट्टे पतले हैं ना उनके और थोड़े से मोटे दिखेंगे। लिपस्टिक हमेशा भर भर के अच्छे से लगानी है, उतनी भी नहीं है लेकिन फील अच्छे से होनी चाहिए। कपड़े वपड़े पहन के तुम्हें दोबारा बाद में वीडियो कॉल करती हूँ या पिक भेजती हूँ। मेन जो सीखना था वो ये था, आई मेकअप था, फाउंडेशन एप्लीकेशन था और वो था बिफोर मेकअप आपको कैसे अपनी स्किन को प्रैप करना। ओके अब मैं अपना वो लाइनर लगाऊंगी और अपना कपड़े पहनूंगी, ज्वेलरी डालूंगी, उसके हर एक चीज आपके मेकअप में ग्लो लाएगी। आप कभी पहनो, अभी क्या है, अभी हमारा फेस ही फेस है तो यही दिखाई देता है। जब तक हम सब चीज पहन के जब कपड़े पहनेंगे ना जब ये बैलेंस करता है। एक चीज और ध्यान रखना,
हमको बैलेंस बनाना है। अगर हमारी आंखें ओवर है तो लिपस्टिक लाइट रखनी है। अगर हम लिपस्टिक भी डार्क कर देंगे, आंख भी ओवर कर देंगे, जैसे कल का मेरा मेकअप था आंखों पे ज्यादा नहीं था तो लिपस्टिक मैंने लगाया अच्छे से, आज मेरा आंखों का हैवी है तो मैंने लिपस्टिक लगाया, लाइट अपना लाइट अपना लिपस्टिक लगाया। और इसके बाद साड़ी मेरा ग्रेइश कलर का है थोड़ा सा, तो उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे चलना है कि मेरी स्किन डल भी ना लगे। उसमें मैरून कलर है, आप देखती मैं बिंदी या ज्वेलरी उसके हिसाब से चूज करती हूँ कि मेरे को उसमें क्या जाएगा जिससे मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। बहुत सारी देखने में क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है, पर अभी तुमने देखा क्या क्या हुआ है कट क्रीज के लिए, पहले वो किया और लुक भी अलग निकल के आते, ये नहीं कि वो चीज आई है फिर उसको कलर दो तीन कलर हमने करे मर्ज करे, यहाँ भी ब्लैक कलर का कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी मर्ज किया हमने। अब लाइनर आएगा तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी, बाकी सब यही है, बस लाइनर लगाऊंगी बस और कुछ नहीं। लाइनर लगाऊंगी, लाइनर तुम्हें मैंने सिखाया जाता है। अच्छा आई मैं तुमको वीडियो कॉल करती हूँ कि go there's no doubt gotta get out of this small town you took my heart from me